बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। फिजिक्स इन लेक्चर सीरीज ऑफ क्लास 10th, चैप्टर नंबर 2, साउंड। टुडेज टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लाउडनेस एंड फैक्टर्स इफेक्ट्स द लाउडनेस। एम्पलीट्यूड, एरिया, डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, पिच ऑफ द साउंड, हाउ इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, आज हम जो है इन तमाम करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। अगर आप न्यू हैं और हमारी पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अच्छा, साउंड का चैप्टर जो है इस पे मैंने एक लेक्चर नंबर 1 जो है वो डिलीवर कर दिया है। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा कि साउंड वेव्स क्या होती हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल वेव्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो इससे पिछले चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि कैसे साउंड वेव्स 3-डायमेंशनल वेव्स हैं, उसके बारे में मैंने आपको तफसील के साथ विद एग्जांपल्स जो है उसकी एक्सप्लेनेशन दी। उसके बाद हमने देखा कि कैसे साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको विद एग्जांपल जो है आपको समझाया। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे वो लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं कार्ट में और डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स डाल दूंगा, आप लाजमी जाइए और उन लेक्चर्स को लाजमी जो है वो देखिएगा, ताकि आपको इस लेक्चर की बेहतर अंदाज में जो है वो समझ आ सके। चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स के हवाले से है। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं लाउडनेस। कहते हैं, लाउडनेस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाई विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। लाउडनेस ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम दो साउंड्स के दरमियान जो है फ़र्क को देख सकते हैं। कहते हैं, व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स, कहता है जब हम अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हों, जैसा कि आप क्लास में अक्सर दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं। कहता है, आवर वॉइस इज लो, तो हम धीमी आवाज़ में बात करते हैं, हमारे आवाज़ की जो साउंड है वो थोड़ी सी धीमी होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम कोई मजमे के साथ, कोई क्लास में जैसे टीचर आपके साथ मुखातिब होता है, ठीक है, तो उसके सामने 40 से 50 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, तो वो उन सारों तक जो है आवाज़ पहुंचाने के लिए क्या करता है, लाउड बोलता है। तो यहाँ हमने दो तरह की साउंड को देखा, एक स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, तो वो धीमा बोलेंगे। टीचर जो है वो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या करेगा, लाउडनेस अपनी आवाज़ के अंदर, ताकि तमाम स्टूडेंट्स तक आवाज़ जो है वो पहुँच सके। इसी तरह ही हम गैदरिंग में भी करते हैं। ठीक है, कहता है, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट नंबर ऑफ फैक्टर्स। डिफरेंट नंबर ऑफ फैक्टर्स पे लाउडनेस किसी भी साउंड की डिपेंड करती है। सबसे पहले हमारे पास आता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी कैसे लाउडनेस पर डिपेंड करती है, आइए देखते हैं। कहता है, द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर किसी भी बॉडी का वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो बॉडी की लाउडनेस ज़्यादा होगी। अगर किसी की बॉडी की एम्पलीट्यूड कम है तो उसकी लाउडनेस भी कम होगी। चलें इसे एग्जांपल के साथ देखते हैं। कहता है, द साउंड प्रोड्यूस बाय अ सितार विल बी लाउड। कहता है, आप सितार के साथ जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इफ़ वी प्लग इट्स वायर्स, जब हम उसकी वायर्स को प्लग करते हैं, उसमें जो है वो इरताश पैदा करते हैं ज़ोर ज़ोर के साथ। सिमिलरली व्हेन वी बीट अ ड्रम, आपने ड्रम देखा होगा, ढोल देखा होगा सिंपली, ठीक है, तो जब हम उसे फोर्सफुली बीट करते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स मेम्ब्रेन इंक्रीजेस, वी हेयर अ साउंड। अच्छा, जब आप ढोल पे, आपने देखा होगा कि उसके पास दो छड़ियाँ, दो स्टिक्स होती हैं, जब वो उसे बजाता है, जब वो स्टिक को आहिस्ता के साथ मारेगा तो जो ड्रम के साइड पर लगी हुई चादर है, जो उसके ऊपर मेम्ब्रेन है, उसमें क्या है, कम जो है वो कहते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड कम होगा और उसमें जो है जो उसकी मोशन है वो कम होगी। जैसे ही आप उसे ज़ोर से वाइब्रेट करेंगे, ज़ोर से फोर्सफुली उस पर फोर्स लगाएंगे, तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ और तरीके से लाउड हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है हमारे पास एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। कहता है, द लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी बॉडी का एरिया कितना है। फॉर एग्जाम्पल, साउंड प्रोड्यूस बाय अ लार्ज ड्रम इज लाउडर। अगर हमारे पास बड़ा ड्रम होगा तो बड़ा ढोल होगा तो उसकी ज़्यादा आवाज़ आएगी, अगर हमारे पास ढोल की छोटा ढोल होगा तो उसकी कम आवाज़ आएगी।
बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वाइब्रेटिंग एरिया, जितना ज़्यादा वाइब्रेटिंग एरिया होगा उतनी ज़्यादा साउंड की लाउडनेस होगी, जितना वाइब्रेटिंग एरिया कम होगा उतनी कम होगी। कहता है हुई स्ट्राइक का ट्यूनिंग फोक ऑन द रबर पैड, आपने ट्यूनिंग फोक को अगर रबर पैड के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करें, अब फीबल साउंड विल बी प्रोड्यूस, तो उसे एक साउंड क्रिएट होता है। बट इफ़ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक इज प्लेस्ड वर्टिकली, जब हम उसे 90 के एंगल पे परपेंडिकुलर वर्टिकल जो है वो हैंग करें, द फीब तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कहता है वी हेयर अ लाउडर साउंड, तो हम जो है वो साउंड वो ज़्यादा जो है वो उस लाउडनेस को महसूस कर सकेंगे। फॉर दिस वी कैन कंक्लूड दैट द लाउडनेस इंक्रीजेज विद द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड वाइस वर्सा, जैसे ही आप वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया बढ़ाएंगे आपके पास ज़्यादा लाउडनेस होगी, जैसे ही वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया कम करेंगे तो उसका उसकी जो हमारे पास लाउडनेस है वो कम हो जाएगी। कहता है थिन वेड ग्लास गोबर्ट्स कैन वाइब्रेट व्हेन हिट बाय द साउंड, ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ साउंड नाउन एज अ रेजोनेंस। इस रेजोनेंस को जो है वो हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। सम सिंगर्स कैन प्रोड्यूस अ लाउड नोट, आपने सिंगर्स को गाना गाते हुए सुना होगा, कुछ सिंगर्स की जो है वो लाउड नोट होती है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तो उससे जो है वाइब्रेशन क्रिएट होती है और जिसे अक्सर वो कप ग्लास जो है वो टूट जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे ही बम धमाका होता है तो उसमें एक साउंड उसकी लाउडनेस ज़्यादा होती है तो उससे जो है इमारतों के शीशे टूट जाते हैं। ठीक है, तो उसमें वाइब्रेटिंग एरिया ज़्यादा हो जाता है। कहते हैं सम पीपल यूज साइलेंट विसल्स टू कॉल अ डॉग हूज फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज़ टू 25,000 हर्ट्ज़, तो कहता है कुछ लोग जो है वो सीटी मार के डॉग्स जो होते हैं उन्हें बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जो उनकी फ्रीक्वेंसी लाई करती है वो 20,000 हर्ट्ज़ से 25,000 हर्ट्ज़ तक होती है। कहता है इट इज़ साइलेंट फॉर द ह्यूमन, तो ये ह्यूमन के लिए जो है क्या होती है साइलेंट होती है, बट नॉट फॉर द डॉग्स, लेकिन डॉग्स के लिए साइलेंट नहीं होती क्योंकि वो जो है उनकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो है वो मच हायर होती है इंसानों की बनिस्बत। ठीक है, तो ये आपने फिनोमेना ऑब्जर्व किया होगा अगर आपके पास डॉग है। कहता है फैक्टर इफेक्टिंग द लाउडनेस, तो इसमें सी पार्ट जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। कहता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, कहता है लाउडनेस ऑफ द साउंड इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, अगर हमारे पास किसी भी बॉडी का डिस्टेंस जो है वाइब्रेटिंग बॉडी और लिसनर के दरमियान ज़्यादा होगा इट कैन काज डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, तो इसे एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस, जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो बॉडी का क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड में कमी वाक़ हो जाएगी। हमने पढ़ा था कि जैसे ही एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा बॉडी की क्या लाउडनेस इंक्रीज हो जाएगी। कहता है लाउडनेस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द एयर्स ऑफ लिसनर, ये जो सुनने वाला शख्स है उसके कान की सेहत पे उसकी हेल्थ पे डिपेंड करता है कि वो कितना साउंड जो है वो बियर कर सकता है सुन सकता है। अ साउंड अपीयर्स लाउडर टू अ पर्सन विच अ सेंसिटिव एयर, कहता है ऐसा इंसान जिसके कान हसास हों छोटी सी साउंड फ्रीक्वेंसी को सुन सकें तो वो ज़्यादा लाउडर जो है साउंड को सुन सकेगा बनिस्बत ऐसा इंसान जिसके जो एयर हैं उनकी हेल्थ जो है वो काफ़ी कम है। कहता है हाउएवर ताम दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ एयर इट्स कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, तो कहता है ऐसी खसूसियात साउंड की जो कि सेंसिटिविटी ऑफ एयर पे जो है वो डिपेंड नहीं करती तो हम उसे क्या कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं, जिसे हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं पिच। कहता है पिच इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाई विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल और अ ग्रेव साउंड, दो साउंड्स के दरमियान डिफरेंस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं पिच। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, कहता है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अ हायर पिच मीन्स अ हायर फ्रीक्वेंसी, अगर हमारे पास पिच ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज हायर देन ऑफ द मैन, छोटे बच्चों और औरतों की जो पिच होती है आवाज़ की वो ज़्यादा होती है ये मर्दों की बनिस्बत। देयरफॉर द वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज श्रिल ऑफ हाई पिच, तो उनकी आवाज़ जो है वो डिफरेंट होती है मेंस की क्योंकि उनकी पिच जो है वो हाई हो जाती है और मेंस की पिच जो है वो क्या होती है कम होती है। अच्छा, कहता है क्वालिटी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस इज कॉल्ड क्वालिटी, दो एक ही तरह की साउंड्स जो हैं जिनकी लाउडनेस सेम है उनके दरमियान फ़र्क को महसूस करने के लिए हम क्या करते हैं
हम क्वालिटी ऑफ साउंड को देखते हैं। कहता है वाइल स्टैंडिंग आउटसाइड अ रूम, अगर आप का एक भाई जो है वो रूम की दूसरी साइड पर हो, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द नोट्स ऑफ पियानो एंड फ्लूइड बीइंग प्लेड इनसाइड द रूम। तो वो पियानो और फ्लूइड के दरमियान जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकेगा कि किसकी साउंड कौन सी है, ठीक है। दिस इज टू द डिफरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ देयर नोट्स। आप देख सकते हैं कि ट्यूनिंग फोक की जो हमारे पास वेव है वो इस तरह की है, फ्लूइड की इस तरह की है और क्लेरनेट की इस तरह की है। हालांकि तीनों की लाउडनेस सेम है, ठीक है, लेकिन इनकी नोट्स में फ़र्क है। तो ये क्वालिटी ऑफ साउंड में हमारे पास आता है, कैसे हम दो सेम ही लाउडनेस की जो है साउंड्स को डिफर कर सकते हैं बाय द क्वालिटी, ठीक है। आगे आता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। कहता है साउंड एनर्जी पास करती है किसी भी साउंड से पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया, ठीक है, जो परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स के, ठीक है। हम इसे कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जैसा कि ये हमारे पास है साउंड, तो इसके परपेंडिकुलर जो होगा हमारे पास जो एरिया होगा यूनिट एरिया, उसे हम क्या कहेंगे, अगर वो 1 सेकेंड में हमारे पास क्या करेगा, एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, ये साउंड की क्या है, इंटेंसिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, हम इसे एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, और इसका यूनिट क्या है, वाट पर स्क्वेयर मीटर। आगे है साउंड इंटेंसिटी लेवल। कहते हैं द ह्यूमन एयर रिस्पॉन्ड टू द साउंड इंटेंसिटी रेंजिंग फ्रॉम 10 to 12 W/m² जो इंसानी कान है वो कहाँ तक की इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड कर सकता है, 10^-12 W/m² को, और इसे मोर देन 1 W/m² है विच इज़ लाउड इनफ टू बी पेनफुल। और ये इतनी साउंड की इसकी लाउडनेस होती है कि ये इंसानी कान में दर्द पैदा कर देती है। कहता है बिकॉज द रेंजेज इज सो वाइड, क्योंकि इसकी रेंज जो है वाइड होती है, इंटेंसिटीज कान आर स्केल्ड बाय द फैक्टर ऑफ 10। तो हम इसे फैक्टर ऑफ 10 में लिखते हैं। कहता है द बियरेबल ऑडेबल एंड द फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज 10^-12 W/m², जिसे हम रेफरेंस लेते हैं और हम इसे जीरो बेल कहते हैं। ये एक साइंटिस्ट का नाम, जिसका नाम एलेक्जेंडर ग्राहम बेल था, उसके नाम पे हम इसे जो है वो रेफर करते हैं। कहता था लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड आल्सो ऑन द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द एयर। लाउडनेस मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये फिजिकल इंटेंसिटी ऑफ साउंड पर डिपेंड नहीं करती, ये आल्सो फिजिकल कंडीशन पर भी डिपेंड करती है कि आपका एयर की हेल्थ क्या है। कहता था ह्यूमन एयर इज मोर सेंसिटिव टू द सम फ्रीक्वेंसी रेदर देन द अदर। इंसानी कान जो है कुछ फ्रीक्वेंसीज पे बहुत जो है वो सेंसिटिव है। कहता है द लाउडनेस ऑफ द साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। आप सामने देख सकते हैं कि एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के। तो प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हमने प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के को यूज़ किया है। कहता है फॉर द एल नॉट बी द लाउडनेस ऑफ द फेंट ऑडियोबल साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या है आई नॉट एंड एल बी द लाउडनेस ऑफ द साउंड ऑफ अननोन साउंड। तो इनके दरमियान क्या है, एल नॉट इज इक्वल के लॉग आई नॉट, ठीक है। तो एल हमारे पास क्या है, अननोन साउंड की लाउडनेस है। जब हम इस वाली इक्वेशन को अबव वाली इक्वेशन के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी एल माइनस एल नॉट के लॉग आई माइनस आई नॉट इज इक्वल के लॉग आई ओवर आई नॉट, या वो मिस हो गया, आई ओवर आई नॉट आएगा, ठीक है। कहता है द डिफरेंस बिटवीन एल माइनस एल नॉट, ये हमारे पास क्या है, दो लाउडनेस जो साउंड्स की हैं, एक हमारे पास ऑडिबल है और एक हमारे पास अननोन साउंड है, इसे हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी कहेंगे डिफरेंट साउंड की जो हमारे पास अननोन साउंड है, ठीक है। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल के लॉग आई ओवर आई नॉट। आप लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास माइनस हो तो डिवीजन में जाता है, अगर हमारे पास प्लस हो तो मल्टीप्लीकेशन में आता है, ठीक है। तो चूंकि आई माइनस लॉग आई नॉट क्या है, माइनस हो रहे हैं, तो ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, के लॉग आई ओवर आई नॉट। कहता है द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स ऑफ एंड बट आई नॉट आल्सो द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। तो ठीक है, तो ये इसका यूनिट क्या है, इंटेंसिटी लेवल का है। इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ एनी अननोन साउंड इज 10 times ग्रेटर देन द इंटेंसिटी ऑफ अननोन। कहते हैं अगर हमारे पास अननोन की इंटेंसिटी जो है वो ग्रेटर देन हो जाए नाउन की साउंड की इंटेंसिटी से, देन हम क्या करेंगे, द इंटेंसिटी लेवल ऑफ आई नॉट ऑफ अ सच साउंड इज टेकन एज अ यूनिट। तो हम उसे यूनिट कह लेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, बेल कहेंगे।
तो यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू 1 आ जाएगी और इंटेंसिटी ऑफ लेवल किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग आई ओवर आई नॉट का, क्योंकि हमारे पास के की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। आगे है बेल इज अ वेरी लार्ज यूनिट, बेल जो है इसकी वैल्यू बहुत लार्ज होती है, जनरली हम जो है वो उसमें डेसीबल इस्तेमाल करते हैं, जो एक डेसीबल है वो एक बेल जो है 10 डेसीबल के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास हम इसे डीबी से एब्रीवेट करते हैं, तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी लेवल आ जाएगा 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डेसीबल, क्योंकि के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। जब हम इसे यूनिट रखा, टेकन एज अ यूनिट, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो अब हमने एक बेल को किसके इक्वल रखा है, 10 डेसीबल के, ठीक है। तो हमारे पास एक बेल किसके इक्वल आ जाएगा, 10 डेसीबल के, और हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डेसीबल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस लेक्चर में जो है वो हमने लाउडनेस ऑफ साउंड यानी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को डिस्कस किया, हमने देखा कैसे लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो इफ़ेक्ट करती है एरिया से, एम्पलीट्यूड से, ठीक है, तो और डिस्टेंस से, और कैसे ह्यूमन हेल्थ से जो है इसमें लाउडनेस ऑफ साउंड में जो है वो डिफरेंस आता है। इसके अलावा हमने पिच को पढ़ा, लाउडनेस को पढ़ा, मैंने आपको साउंड इंटेंसिटी लेवल के बारे में बताया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस हवाले से कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आप अपनी सजेशन हमें देना चाहें तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ बुक्स और नोट्स डाउनलोड्स करना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं physicsin786.blogspot.com, जहाँ से आप फिज़िक्स बुक्स और नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाएं सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।